हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एटम 1.0 के बारे में। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसे बनाया है हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने। ये बाइक इंडिया में 50,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुई है और इसके साथ ही ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक बन गई है। दोस्तों दिखने में ये बाइक थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, इसका डिज़ाइन अधूरा और थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इस बाइक को इंडिया की ही एक स्टार्टअप कंपनी ने डिज़ाइन किया है और वो इनका पहला डिज़ाइन है जिसे उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपीज़ की कीमत पर लॉन्च किया है। तो इस लुक के बारे में खामियां निकालना गलत होगा। इस बाइक में हमें 250 वॉट का इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल जाता है। इस बाइक में हमें 25 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड लिमिटेड होने के कारण इसके लिए ना हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ना ही लाइसेंस की। इस बाइक में हमें 100 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलती है। ये बाइक है 3 पिन चार्जर से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। इस बाइक का जो बैटरी पैक है उसका वेट सिर्फ 6 kg है। 0 से 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर इस बाइक में हमें सिर्फ 7 से 8 रुपए का खर्च आएगा। इस बाइक की बैटरी में कंपनी 2 साल की वारंटी भी दे रही है। इस बाइक में हमें ढेर सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ब्लू और सिल्वर। दोस्तों आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो इस 50,000 की कीमत वाले अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक को खरीद सकते हो। कंपनी का कहना है वो इस बाइक को अपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरे इंडिया में डिलीवर करने वाली है। इस बाइक को कंपनी ने अपने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च किया है। इस बाइक का जो टायर साइज है वो काफी थिक है और इस बाइक को आप किसी भी कंडीशन में चला सकते हैं। इस बाइक में हमें हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर सारे के सारे LED के देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 280 mm है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 750 mm। इस बाइक का जो हैंडल बार है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में मुझे जितना कुछ पता था वो मैंने आपको बता दिया।